रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशानी है, अल्लाह पाक उन परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी रहने वाले लोग बुला दें, अल्लाह पाक सबको बुला दें। आमीन सुमामीन। तो इसी ने दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज हम जा रहे हैं अल्लाह के सफर पर, वो इसलिए कि हम तय हो गया था शहर जाने के लिए और अभी हम आ गए सिस्टर के घर। रास्ते में इनका घर है मुबीन, जन्नत को मिलने के लिए पारो और फातिमा को अभी हमने इधर ही छोड़ना है। फातिमा आप ही के पास रह लो हैं। फातिमा फिर हमें शहर में तंग बहुत करती है ना, इसीलिए हमने कहा इसको इधर रोक के जाते हैं। आज अम्मी जी आदि दो तीन मिलन आए ने। हां जी, आज न मेरे ना आया रास्ते चासे। अम्मी जी, मैं नजीर भाई और फातिमा शॉपिंग करने जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा फातिमा को इधर छोड़ देते हैं। ये बच्ची है ना, तो फिर उधर हमें बहुत ज्यादा तंग करती है, बोर हो जाती है, इस रश में जाके कहती है हम घर चले। फातिमा इधर ही रह जा, फातिमा इधर ही रह, आप ही कॉल। ओ कहती मैं नहीं रह, कॉल रहे तू काकी को ना। हां देख, आप पारो को रह लिया, पारो रह पाओ। हां चलो भाई, देखते हैं फातिमा रहती है कि नहीं रहती, फिर जल्दी करें, अम्मी जी लेट हो रहा है। अभी हमने शहर की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया है और साथ में है बड़ी नहर, जानवर बांधे हुए हैं ऊपर और फसलें भी हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू है और आज बादल भी आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बोलो अम्मी। मैं ना कपड़े पसंद कर लए, ते कपड़े लाए भी लाए ने, ते घर चलते ना तो हम बिखैसा है भी कपड़े किंदे किंदे लाए। ये इतनी बड़ी दुकान है, हम शहर में पहुंचे हैं। नज़ीर भाई अभी आगे गए हुए, वो आते हैं तो फिर हम चलेंगे किसी और दुकान पर, इधर से कपड़े तो हमने ले लिए। तो अभी हम आ गए हैं घर वापस शॉपिंग करके। आज हमारी आधी शॉपिंग भी नहीं हुई क्योंकि हम सबको रोज़ा भी था और ऊपर से बादल भी बन गए, तो हमने कहा कहीं बारिश ना हो जाए। हम बाइक पर गए थे तो हम सारे भीग जाते, सारे कपड़े शपड़े ख़राब हो जाते, इसीलिए हम वापस आ गए। चलो कोई बात नहीं, और हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट हो जानी थी, अभी तकरीबन 1 बजे और 2 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज इतनी बड़ी है फिर किसी दिन आके दोबारा कर लेंगे। अभी ईद के तकरीबन 14 दिन समझो पड़े हुए हैं, आज 15 रोज़ है ना। और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या शॉपिंग की है। सबसे पहले तो आप ये मेरा सूट देखें जो मैंने खुद सिलाई किया, ये आज हमने नहीं लिया, ये पहले का था, तो ये मैंने सिलाई किया था, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, उसका दुपट्टा लिया है। पहले ये सूट देखिए फिर मैं दुपट्टा भी दिखाती हूँ, ये मैंने खुद सिलाई किया है। आप सब ज़रूर बताइएगा कि कैसा मैंने सिलाई किया है, और इसके बाजू भी बहुत प्यारे हैं। इसको साथ लेकर गया था क्योंकि दुपट्टा मैच करके लेना था इसीलिए। और अब मैं इसका दिखाती हूँ दुपट्टा, और फातिमा को देखें, फातिमा ने उधर से लिए अमरूद, हम सबको तो रोज़ा था, इसे रोज़ा नहीं था, तो कहती है अभी मुझे तो कोई चीज़ लेके देना, तो इसको अमरूद लेके दिए, अब वो खा रही है बैठकर। और ये है इसका दुपट्टा, ये मल्टी में लिया है, अम्मी जी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, अम्मी जी कहती है यही ले लो, तो मैंने कहा मैं यही ले लेती हूँ। और अभी करके दिखाती हूँ आप सबको, अम्मी जी कैसा लग रहा है? सोना लगता पहके, ले लो। ठीक है, अम्मी जी की पसंद का मैंने लिया, आप सब ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। वैसे इतना शौक कलर है, मुझे तो कोई नहीं पसंद आया, चलो कोई बात नहीं, अम्मी जी के लिए मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ अब अपनी भाभी का सूट। ये पहले है अम्मी जी का दुपट्टा, अम्मी जी ने सफ़ेद कलर का लिया है, बंदा कहीं आता जाता है ना तो कर लेता है, ये बड़ा सारा है चादर की तरह, बिल्कुल सफ़ेद है, तो अम्मी जी को सफ़ेद रंग बड़ा पसंद है, तो इसीलिए अम्मी जी ने ले लिया। ये एक अम्मी जी का दुपट्टा है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ सूट। तो ये है मेरी भाभी का सूट, उसकी अभी आधी शॉपिंग हुई है, तो आधी हम और जाकर करेंगे, फिर उनके घर देने जाएंगे। और अभी मैं सबको बताऊंगी भी कि ये किस भाभी की मैं बात कर रही हूँ, बड़े भाई वाले की या छोटे भाई वाले की। तो पहले तो आप सूट देखिए ना, ये इसकी कमीज़ है, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा कलर है। मैंने तो अम्मी जी को कहा था इसमें ब्लैक कलर था, मैंने कहा अम्मी जी ब्लैक ले लें, लेकिन अम्मी जी ने नहीं कहा, भी पहली दफ़ा ईद देनी है, वो क्या कि मुझे काला सूट दे दिया है, तो कोई शौक कलर लेते हैं, तो ये ब्लू कलर हमने लिया है, उसमें सफ़ेद भी रंग है, ये गुलाबी भी है, सारे रंग है, बहुत प्यारा सूट है। और नीचे ये इसके बाजू हैं,
उसके बाद ये इसकी शलवार है, इसकी शलवार है गुलाबी कलर की, मेरे सूट के साथ थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। ये शलवार है और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, सारा प्रिंट वाला सूट है। तो ये अम्मी जी ने अपनी मर्जी का लिया, मैंने कहा भी आपकी बहू है, आप पहली दफ़ा उसकी शॉपिंग करें, मैं तो चुप करके बैठ जाती हूँ। अम्मी जी ने अपनी पसंद का लिया। और ये ली हैं चूड़ियाँ, ये भी साथ मैच करके ली हैं, तो ये मैंने अपने साइज़ की ली है क्योंकि उसका साइज़ और मेरा साइज़ तकरीबन बराबर बराबर ही होगा, तो हो सकता है कि उसे छोटी हो या बड़ी हो, कोई बात नहीं, हमने कहा अपनी मर्जी से ले ली, अब वो वापस करना हो तो कर लेगी। और ये इसकी चूड़ियाँ, बस अभी जूता भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो हम किसी और दिन जाकर करेंगे क्योंकि आज सबको रोज़ा भी था, तो सब ने कहा जल्दी जल्दी करें बस घर चले, तो हम आ गए। तो अभी जो कमेंट लिखते हैं और कमेंट शामिल करते हैं, शॉपिंग तो सारी दिखा दी है और अभी मैं आप सबको बताती हूँ कि ये किस भाभी की शॉपिंग है। तो ये है मुनीर भाई की, मंगेतर की, तो उनकी मंगनी होगी लेकिन नज़ीर भाई की अभी नहीं हुई, तो उनकी बीवी की हमने शॉपिंग नहीं की, ये उनकी पहली ईद है, कुछ महीने पहले ही हमने उनकी मंगनी की थी, वो भी वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी, आप सबको याद ही होगा। तो हमें उसको ईद देनी है, हो सकता है कि इस ईद के बाद जल्दी हम शादी कर लें, ये पहली और आखिरी ईद ही है बस उसे मिलेगी। अम्मी जी कह रही थी कि जो इसके बाद ईद आएगी ना, तब तक हो सकता है कि शादियाँ हो जाएँ, है ना अम्मी जी। अल्लाह कर सी शादी मकार ली सपुत्रा दी हम जब दही कर सा। हाँ जी इंशाल्लाह, अभी ये सारी चीज़ें समेट के रख देते हैं और कमेंट लिखते हैं, फिर सबके लिए दुआ करते हैं। ईद की शॉपिंग भाभी के लिए की, तो आज हम गए थे शहर, उधर से बहुत सारी शॉपिंग करके भी लाए और बहुत सारी हमारी शॉपिंग रह भी गई है। तो सबसे पहले आप मेरा ये दुपट्टा देखें, ये सूट तो मैंने आप सबको पहले ही दिखाया है, तो इस कमीज़ को हम साथ लेकर गए थे क्योंकि दुपट्टा मैच करके लेना था, और ये दुपट्टा मैंने लिया है अम्मी जी की पसंद का, इतना शौक कलर है ना, लेकिन अम्मी जी कहती नहीं ये टीम है ना तो इसके साथ सही मैच हो जाएगा, आप यही ले लो। और आप सब ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगेगा, अम्मी जी की मर्ज़ी का मैंने लिया है, अम्मी जी सही लग रहा है, सोना लग रहा है। और उसके बाद अब मैं आप सबको दिखाती हूँ अम्मी जी का दुपट्टा, ये अम्मी जी ने अपने लिए लिया है सफ़ेद कलर का, अम्मी जी सफ़ेद कलर पहनती हैं, मुझे ना आज थोड़ा सा सही बात नहीं हो रही क्योंकि रोज़ा था और हम शॉपिंग करने गए हुए थे, बहुत ज़्यादा थक गए इसीलिए हम जल्दी जल्दी वापस आ गए। ये अम्मी जी का है, अम्मी जी कहती मैं जब कहीं जाऊँगी ना तो ये सफ़ेद कलर का दुपट्टा करके जाया करूँगी। और बाकी ये है मेरी भाभी का सूट, ये भी बहुत प्यारा है, आप सबको मैं खोल कर दिखा देती हूँ, ये प्रिंट में है। तो अम्मी जी ने आज अपनी मर्जी की सारी शॉपिंग की है, ये देखें इतना प्यारा है। और इस तरह का पूरा व्लॉग बनाकर पूरी शॉपिंग हमने दिखाई है, हम किस तरीके से गए और कितनी शॉपिंग की, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप सब जल्दी से जाइए और वो हमारा व्लॉग देखिए। आप सबका बहुत सारा शुक्रिया। और फातिमा को उधर से अमरूद लेके दिए, वो अमरूद खा रही है फातिमा। आज के जो हमारे दुआ के लिए कमेंट है उसमें सबसे पहले हमारे सिस्टर शकीला जम्मू कश्मीर से, वो कह रही हैं घर वालों के लिए दुआ करना, सबको सलाम, फातिमा को प्यार। तो फातिमा आप ही आंटी को सलाम करो, अमित जी आप उनके सलाम का जवाब दें। वालेकुम सलाम। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही मेरे शोहर के लिए अफ्तार के वक्त दुआ करना, उसका कोई ऑनलाइन कारोबार सेट हो जाए। जी जरूर सिस्टर, हम जब रोजा अफ्तार करते हैं तो अपने तमाम देखने वालों के लिए दुआ करते हैं। और उसके बाद हमारी सिस्टर है अरूज कामरान, औलाद की नेमत से नवाजे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद दे। उसके बाद हमारे भाई है अबू बकर शहजाद चकवाल से, मोहसन भाई, हैदर भाई। और उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है फलस्तीन के लिए दुआ करना। उसके बाद हमारी सिस्टर है समीना, वो कह रही है मेरे लिए खास अम्मी जी और फातिमा से दुआ करवाना। जी जरूर सिस्टर, अम्मी जी और फातिमा मेरे साथ हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। उसके बाद हमारी सिस्टर है माजबीन, अल्लाह इस रमजान के सदके मुझे औलाद दे, अम्मी से दुआ करवाना। अशरफ भाई चकवाल से, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उसके बाद हमारी सिस्टर है, वो कह रही है अम्मी से दुआ करवाना, अल्लाह औलाद दे। उसके बाद हमारी सिस्टर है सारा, वो कह रही फातिमा को प्यार, अम्मी जी को सलाम। अम्मी जी आप उनका जवाब दें। वालेकुम सलाम। उसके बाद हमारे सिस्टर है कोमल जेलम से, वो कह रही मेरे शोहर के लिए दुआ करो, वो परदेसी है, अल्लाह पाक कामयाब करे, वो जिस मकसद से परदेस में है। जी जरूर सिस्टर, हम भाई के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, वो कह रही है दुआओं में याद रखना। उसके बाद सिस्टर है, वो कह रही मेरे शोहर के कारोबार में अल्लाह पाक बरकत दे, दुआ करना, और अल्लाह पाक हमें औलाद भी दे, अम्मी से दुआ करवाना। हमारी सिस्टर एक और है, वो
कह रही है आंटी नमाज के बाद मेरे लिए औलाद की दुआ करना। अमी जी आप जब भी नमाज पढ़े तो हमारी सिस्टर के लिए दुआ की। उसके बाद हमारे सिस्टर तस्लीम इंडिया से, वो कह रही है पापा का इंतकाल हो गया है, मैं और मेरे भाई हैं, तो अल्लाह पाक आपके पापा को जन्नत में जगह दे और आप दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं आयशा, वो कह रही है मेरी बेटी के लिए दुआ करना, उसके नसीब अच्छे हों। कलसूम सिस्टर जम्मू कश्मीर से, वो कह रही मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, उनका नाम मर्जीना है, उनकी तबीयत खराब रहती है। उसके बाद सिस्टर है कोमल, शोहर का नाम अदील है, अल्लाह ताला औलाद दे हमें। उसके बाद हमारे सिस्टर है सारा, अल्लाह पाक उनको अपना घर दे। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर है, वो कह रही हैं अबू अम्मी के लिए दुआ करना, जन्नत दे, और अम्मी का इंतकाल ईद वाले दिन हुआ था, बहुत ही अफसोस की बात है सिस्टर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं अम्मी जी, उसने चूड़ियाँ खोल ली हैं फातिमा, अनम इस्लामाबाद से, वो कह रही है मेरे नसीब अच्छे करे, दुआ करो। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं एहसान की वाइफ नाम लेकर दुआ करना, अल्लाह पाक हमें औलाद दे, आमीन सिस्टर। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं रुबीना हैदराबाद से, अल्लाह पाक उनको औलाद दे। उसके बाद हमारी सिस्टर एक और हैं, वो कह रही हैं रिज्क में बरकत दे और हमें अल्लाह ताला अपना घर दे, आमीन। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं भाई के लिए दुआ करो, जॉब मिल जाए, नाम अली है। जी ज़रूर मेरी बहन, हम भाई अली के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अम्मी का नाम अफसाना है, उनकी तबीयत के लिए दुआ करना, उनको शुगर है, अल्लाह पाक सेहत दे हमारी आंटी को, आमीन। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं बेटी के लिए दुआ करो, उसका एग्ज़ाम अच्छा हो। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं अनाबिया, वो कह रही हैं फूफो को कैंसर है, आप दुआ, आप सब मिलकर दुआ करो, अल्लाह पाक कि उनको सेहत दे। जी ज़रूर सिस्टर। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं सारा नारोवाल से, वो सबको सलाम कह रही हैं और तायाबू से कह रही हैं मेरे लिए दुआ करवाओ। जी ज़रूर सिस्टर, मैं तायाबू को बोलूँगी, वो आपके लिए दुआ करेंगे, और अम्मी जी आप उनका जवाब दें, आमीन सुम्मा आमीन। सलाम भेजा उन्होंने। अच्छा, वालेकुम सलाम। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं इकरा लाहौर से, वो कह रही है मेरा पेपर है, दुआ करो अच्छा हो। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही है मेरा फियोंसी दुबई में है, वो फंस गया उधर, बहुत ही बुरी तरह से, दुआ करो कि वो वापस आ जाए, अल्लाह पाक मुश्किल दूर करे। जी ज़रूर सिस्टर। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे, 6 साल हो गए शादी को, अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजे, मेरी बहन मेरी दिल से दुआ है। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अम्मी अबू की तबीयत ठीक नहीं रहती, दुआ करो। उसके बाद हमारी सिस्टर है फायजा गुलजार, वो कह रही मुझे अल्लाह पाक अच्छे नंबरों से पास करे और जॉब मिल जाए। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करो अल्लाह पाक मुझे चाइना, दुआ करो अल्लाह पाक मुझे चाइना में जॉब मिल जाए। जी ज़रूर सिस्टर, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। उसके बाद हमारे भाई हैं बिलाल, वो कह रहे हैं वेनसडे को मेरा पेपर है फिजिक्स का, दुआ करो अच्छा हो। उसके बाद हमारी एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करो मेरी पसंद की शादी हो जाए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जो आपके हक में बेहतर है वो करे, आमीन। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं शुमाइला चकवाल से, वो नाराज़ हो रही हैं, वो कह रही हैं मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं मेरी बहन, आज आपका भी हमने नाम लिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं नजमा शुएब इंडिया से, अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं भांजे के लिए दुआ करना, उसका नाम सलमान अवैस है और वो खतीजा, आपको खतीजा खाला कहकर बुलाता है। तो कोई बात नहीं मेरी बहन, मैं वैसे भी खाला बन गई हूँ इतनों की, यह फातिमा मुझे खाला नहीं कहती, ये तो मुझे आप ही कहती है, दूसरा जो मेरा भांजा ना बड़ी आपी का बेटा अब्दुल रहमान, वो मुझे खाला ही कहता है। तो कोई बात नहीं, कोई मुझे खाला कहे आंटी कहे, मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। चलो जी, अभी सबके नाम शामिल हो गए, अगर किसी का नाम रह भी गया हो तो उसके लिए सॉरी, आप इस वीडियो के नीचे दोबारा से कमेंट करके बता दीजिएगा, इंशाल्लाह कल उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। चलो फातिमा दुआ करें, ऐसे करो हाथ, या मेरे प्यारे अल्लाह आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना। अम्मी जी आप भी दुआ करें, बाद में समेट लेंगे। फातिमा ने दोबारा से खिलारा बना दिया। या मेरे प्यारे अल्लाह आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना, आपको आपके रब होने का वास्ता, आपको आपके करीम होने का वास्ता और आपको आपके रहीम होने का वास्ता, ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्की देना, इन्हें जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले बढ़ना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना, आमीन।
सुमामिन फातिमा, ऐसे कर लो हाथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फातिमा, अल्लाह हाफिज़ करो।